मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइज मैं जा रही हूँ स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गांधी जयंती टू यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और हरी जा रहा मुझे छोड़ने, पीछे बैठे हैं जिगर। जिगर हेलो बोलो। तो आज गाइज शेयर करेंगे और गांधी जयंती सेलिब्रेट करेंगे, तो बने रहना ब्लॉग में। आपको दिखाती हूँ मैं स्कूल का व्यू। ये देखिए चारों तरफ। तो गाइस हमारा वर्क पूरा हो चुका है, हम जा रहे हैं घर। आज मैंने पहना ये वाला सूट जो कि मेरा फेवरेट है, मतलब ये वाला कलर अच्छा लगता है थोड़ा। और आज है गांधी जयंती 2 अक्टूबर, तो आज हमारे बच्चों की छुट्टी है। और ये है गाइस हमारा एनसीसी का ऑफिस। अभी आने वाली है मेरी गाड़ी, मैं कर रही हूँ अपनी गाड़ी का वेट, फिर चलते हैं घर। और गाइस आज मैं जल्दी जा रही हूँ घर क्योंकि मैं टाइम विद इन टाइम पीरियड अपना काम कंप्लीट कर लिया। और ये आ गई है ताऊ। आ जा। हाँ देखो गाइस बिल्कुल पास आ गई। अपनी जो बाजू में मेरी आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट की है, क्योंकि मेरे हाथों में जो इस वाले हाथों में मेरे ना पेन रहने लगा था, पता ना करवट में आ गया था क्या था। तो मैं ये वाली एक्सरसाइज डेली करूंगी 10 मिनट्स तक। अगर आपको भी किसी को मतलब आपके राइट या लेफ्ट हैंड में पेन है तो आप ये वाली बेल्ट लगाकर इस तरह से कर सकते हैं एक्सरसाइज। तो गाइस अभी आ गए हम पेट्रोल फिल कराने स्कूटी में, और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू। ये देखिए गाइस, ये तो गाइस अभी हम यहाँ फ्यूल फिल करा रहे हैं स्कूटी में, और उसके बाद चलते हैं फिर अपने शूटिंग प्लेस पर। और आपको भी दिखाऊंगी आज मैं कि आज कहाँ वीडियो शूट चल रही है हमारी। बने रहना ब्लॉग में क्योंकि मेरा ब्लॉग आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज है हमारा नेशनल फेस्टिवल, तो आगे चलिए। ये देखो गाइस ये आ गए बाबू। तो गाइस देखिए रुक जा, ओए तो गाइस देखिए सूरज को चौपले का व्यू दिखाती हूँ। और ये भैया बना रहे हैं ताजे लड्डू। तो भैया क्या रुपए किलो है लड्डू? 160। भाई साहब 2 किलो लड्डू दे दो। तो गाइस ले लिए मैंने लड्डू बच्चों के लिए। हम आ गए हैं गांधी आश्रम, मेरठ के गांधी आश्रम में। और ये देखिए ये है गांधी जी की फोटो, ये ओरिजिनल फोटो है ना। हाँ ये देखिए गाइस, तो आपको मैं आज मैं गांधी जी के गांधी आश्रम से मिलवाती हूँ, एक्सप्लोर करते हैं गांधी आश्रम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखाज डिजिटल डायरी। हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू विल बी फाइन, यू विल बी हैप्पी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली और मेरे भारतवासियों, आपको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं गांधी आपको मिलवाऊंगी, गांधी जी का जो गांधी आश्रम है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और गाइस आज हम सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती जो कि हमारा नेशनल फेस्टिवल है। और गाइस देखिए गांधी जी की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नोट पर अभी भी गांधी जी की फ़ोटो है। तो जब से गांधी जी गए हैं, जब से किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो गांधी जी की जगह ले सकता।
तो गाइस सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि गांधी आश्रम में भी गांधी जी आए थे पहली बार 1920 में आए थे गांधी जी, और उसके बाद 1929 में आए थे गांधी जी मेरठ गांधी आश्रम में, और उसके बाद 49 में आए थे। तो गांधी जी मैं आपको ये बताऊंगी गाइस, देखिए जो हमारी देशभक्ति है वो देशभक्ति की भावना गांधी जी के दिल में जो स्टार्ट हुई थी हमारी, जो हमें हम जो फ्री हुए हैं अब ब्रिटिश रूल से, तो फ्री डम जो हमको मिली है वो गांधी जी की वजह से मिली है। और गांधी जी ने जो पहली शुरुआत की थी क्रांति की वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो आज मैं आज पहुंची हूँ गांधी आश्रम, और तो गाइस देखिए मैं दिखाती हूँ सबसे पहले गांधी जी का ये वाला फोटो कितना प्यारा है। और ये देखिए इधर हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। और तो गाइस देखिए मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी से मिले, और उसके बाद जे वी कृपलानी और सभी लोग थे, सबने मिलजुल कर हमारे देश को आज़ादी दिलाई। चंपारण एपिसोड भी स्टार्ट हुआ था जो गांधी जी ने उसमें बहुत सपोर्ट किया, और मुजफ्फरपुर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ली, फिर उनको राजकुमार शुक्ला के साथ जाके हम सबको आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा सहयोग है जो वो गांधी जी का है। और गांधी जी को मैं बहुत मानती हूँ, और मतलब बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि हाँ भाई हम जो गांधी हैं, गांधी जी हमारे, उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई और आज उनका जन्मदिन है। तो हम मतलब पूरी देशभक्ति के साथ पूरा देश हमारा भारत देश सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसीलिए आज मैं दिखाना चाहती हूँ आपको गांधी आश्रम। तो गाइस देखिए सबसे पहले तो हम गांधी जी को बंद करा। लो भाई साहब प्रसाद लो, और चार पैर की जगह सॉरी दो पैर की जगह तीन पैर बना दिए। लो भाई साहब पैर नहीं बनाए, खैर उसकी भी गलती इतनी नहीं है, लेकिन ये उंगलियां हैं हमारा, ये जो है ना ये वाला हिस्सा जैसे जिस पे हम बैठते हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं गांधी आश्रम का जो मतलब एग्जीबिशन लगी हुई है वो आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो गांधी जी सपोर्ट करते थे जिनको। और ये देखो गांधी आश्रम अभी अब मैं आप एक्सप्लोर करूंगी, तो अभी पहले हम यहाँ चलते हैं। ये मेन गेट है, और ये गाइस आप देखेंगे हापुड़ स्टैंड से थोड़ा सा आगे चल के है, और वो दिखाओ उधर। देखिए गाइस आ गए हम यहाँ, जो एग्जीबिशन लगी हुई है शॉप है ये गांधी आश्रम, जिन चीज़ों को गांधी जी सपोर्ट करते थे। और मैं दिखाती हूँ, देखिए गाइस ये प्योर खादी की बनी हुई ड्रेसेस हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं है, ये कुर्ते हैं। ये गांधी आश्रम गढ़ रोड पर है, थोड़ा गेट बस स्टैंड से थोड़ा सा पहले पड़ेगा, हापुड़ अड्डे से थोड़ा सा आगे। और ये देखिए रेडीमेड हाँ जी भाई साहब, हमने जरा सा वो दिखा हुआ जो गांधी जी का प्योर उससे चादर वगैरह बनती थी, ओढ़ने के खेस वगैरह बनते थे, तो हम जनता को दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा दिखाई किस तरह की चीजें हैं। ये गांधी ये शॉप कितनी पुरानी होगी, मतलब ये जो यहाँ ये चीजें हैं काफी पुरानी हैं। तो देखिए गाइस ये प्योर गांधी जो मतलब कॉटन से बने हुए हैं, तो चरखा काटते थे और गांधी जी बनाते थे, उससे धागा तैयार होता था। और ये देखिए ये खेस इस टाइप के मिलते हैं, ये देखो चरखा चलाने के बाद जब धागा बनता था उसके बाद ये बनते थे, और ये प्योर हैं, इनमें कोई मतलब बहुत काफ़ी कूल रहते हैं गर्मियों के मौसम में। और ये है रियल हाथ से बने हुए, ये देखिए इसका थोड़ा सा और भी हल्का मतलब धागा है जो थोड़ा सा और बारीक है। अच्छा इनके प्राइस क्या रहेंगे भाई साहब? अलग अलग दाम है। ये कितने रेंज में? ये 5 रुपीस का है, 530 रुपीस का है, 670 ये इनमें 25% डिस्काउंट चल रहा है। और ये कुर्ता है गांधी जी भी मैंने सुना है कि हमें पता तो है नहीं, लेकिन वो पूरी लाइफ उन्होंने ये इस तरह की चीज़ें पहनी है, इनको ही सपोर्ट किया है गांधी जी ने, काफ़ी अच्छा स्टफ है। ये देखिए इधर देखिए गाइस, और ये देखिए, तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से ये रजाई हैं, उनके कवर हैं, ये देखो ये प्योर हैं। और सर्दियों में ये मतलब बहुत ज़्यादा हमें हॉटनेस देते हैं, गर्मी देते हैं, और सर्दियों में इनकी एक खास बात है ये हमको गर्मियों में ठंडक देते हैं, कूलनेस देते हैं, इनका साइज भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए
ये वाले केस चादर और ये बनियान दिखाना जो गांधी जी पहनते थे। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगी कि गांधी जी कौन सी बनियान पहन के रहते थे। और इधर मेडिसिन वगैरह भी हैं जो आयुर्वेद हैं, आयुर्वेदिक है। अच्छा अच्छा कई तरह की बनियान आती है ना। हाँ हाँ ये वाली पहनते थे। तो गाइस देखिए ये वाली बनियान है जो हमारे गांधी जी पहना करते थे। इस तरह की काफ़ी स्टफ अच्छा है इसका, प्योर कूल 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 है बिल्कुल। और वाइट कलर की पहनते थे गांधी जी। ये लगी हुई है सर। अच्छा इसका प्राइस क्या होगा? 900 400 रुपीज़ है इसका प्राइस। उस पर भी डिस्काउंट चला हुआ है तो 25% इस पर 300 का पड़ेगा। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं और जो भी गांधी जी को मतलब करीब से जानना चाहते हैं तो गांधी आश्रम आए और उन्हीं के जो मतलब फुटप्रिंट्स है ये सब लोग फॉलो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसी वैरायटी में और उसी क्वालिटी में हम आपको दें वो चीज़ें जिससे हमें लगे कि हाँ भाई हमारे महात्मा गांधी। क्योंकि गाइस आपको भी पता है कि महात्मा गांधी की जगह कोई नहीं ले पाया, नोट पर गांधी जी हैं और जब से गांधी जी गए हैं कोई और नहीं आ पाया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये अंगोछा वगैरह है, ये दवाइयाँ हैं और दवाई नहीं है। हाँ तो गाइस सॉरी मुझे पता नहीं था, ये मेहंदी वगैरह अचार मुरब्बा जैम और शैम्पू वगैरह ये प्योर है तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अचार वगैरह दिखाना जरा, देखते हैं किस तरह के पिकल्स हैं। ये कौन सा है? मैंगो पिकल का है। अच्छा अच्छा है ना, मिर्च का है। अरे आंवले का है, ये देखिए गाइस ये मिर्च का है, करेले का भी है बहुत बढ़िया, और लहसुन का है, लहसुन का भी है, नींबू का है। और ये क्या, ये कौन सी गोलियां है? ये इस तरह से क्या है? कैंडी है, दिखाना है। पूरा का भी है, कैंडी भी है। ये आमला कैंडी जी, तो ये तो मीठी होंगी, मीठी भी आती है चटपटी भी आती है दोनों। अच्छा चटपटी दिखाना कौन सी, क्योंकि गाइस देखिए मैं तो मीठा खा ही नहीं सकती, ये चटपटी में मीठा तो नहीं है, हल्का मीठा होता है लेकिन नमकीन होती है। अच्छा अच्छा इस पे भी है डिस्काउंट? नहीं ग्राम उद्योग से मारते हैं। तो और ये ऑयल वगैरह है सारे? ऑयल है, सिरके हैं, शहद है, शैम्पू है, सारी चीजें ओरिजिनल है सब। चलो बहुत बढ़िया, अभी देखते हैं क्योंकि मीठी चीजें तो ले नहीं सकते। अच्छा मैंगो का जो पिकल से इसकी क्या प्राइस है? अच्छा 20 रुपये। अच्छा अच्छा तो गाइस देखिए मैं और तो कुछ मीठा खा नहीं सकती तो मैं अभी अचार देखती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसा है। हम भी देखते हैं कि जो ओरिजिनल चीजें हैं किस तरह से हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। गाँव से आते हैं, कहाँ से तैयार किया गया है? गाँव देहात में छोटी छोटी संस्थाएं जो बनाती हैं। अच्छा 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 तो आपको दिखाती हूँ गाइस देखिए ये है अचार, काफ़ी टेस्टी है, अच्छा स्वाद है इसका। तो गाइस देखिए अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है, आपको एक्सप्लोर कराऊंगी गांधी आश्रम ऑन द जयंती ऑफ गांधी जी। ये देखिए गाइस किस तरह से यहाँ सारी चीज़ें हैं। ये देखो ब्लैंकेट्स भी हैं, ये प्योर में है। और ये देखो सर बहुत बढ़िया, अच्छा जिगर काफ़ी अच्छा सब सिस्टम यहाँ। फिर अभी वहाँ चलते हैं और उसके बाद फिर गांधी आश्रम को एक्सप्लोर करेंगे। अपनी देशवासियों को दिखाना है कि हाँ भाई गांधी जी ने क्या क्या चीज़ें की हैं जनता के लिए सबके लिए। चलिए अभी हम यहाँ आ गए हैं और यहाँ स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबके लिए। तो गाइस अभी मैं एक बार एग्जीबिशन दिखाती हूँ आपको जो आज गांधी जी के बर्थडे पे लगी हुई है। वाह सनू ये तो बहुत ही बढ़िया है, देख किस तरह की रजाइयाँ लिहाफ हैं ये। ये देखो पुराने ज़माने में चलते थे, हमारी ग्रैंड मदर भी लेकर आती थी गाइस ये वाली रजाइयाँ। भाई साहब इनका क्या प्राइस होगा इस वाली रजाई का? भैया राम ने भैया थोड़ा आइडिया बता दो, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं। राम ने भैया 2000 रुपए की रजाई? 2063। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है रजाई है। और ये देखो ब्लैंकेट वगैरह है गाइस, इधर देखो एग्जीबिशन लगी है, कब तक चलेगी? उधर ब्लैंकेट वगैरह लगे हैं, शुगर फ्री मीठा मिल रहा भाई बहुत बढ़िया, दिखाना जी भैया शुगर फ्री में क्या है मीठा?
मिठाई है क्या है? ना ना पाउडर है। अच्छा अच्छा, ये ना शुगर फ्री, जिससे शुगर हो जाएगा। हाँ शुगर हो गया है ये मानो। चाय पीने को मन करा तो चीनी की जगह इसे रख, चाय अच्छा, में दूध में। ओहो बहुत बढ़िया। तो ये शक्कर है क्या है? ये देसी खांड। खांड देसी। अच्छा बहुत बढ़िया। और ये देखिए गाय की घर भी लगी हुई है एग्जीबिशन, और यहाँ सो रहा है ये डॉगी। चलो इधर से तो निकल जाएंगे अंदर को। तो गाइस देखिए गांधी यहाँ से उनका व्यू दिखाती हूँ, और इधर देखिए गाइस यहाँ सब्जियाँ वगैरह भैया, यहाँ फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स कुछ बो रखा है आप लोगों ने? सब्जी वगैरह है क्या? अच्छा अच्छा, चलो इन्हें पता नहीं है भैया को। और अभी घर से निकलेंगे, और ये देखो प्लांट्स वगैरह टी ये सब कितना प्यारा है। और ये देखिए गाइस उधर फ्लैग लग रहा है हमारा, नेशनल फ्लैग। बने रहो ब्लॉग में, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। और गाइस जिनके दिल में पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आई आज फेस्टिवल पर, गांधी जयंती पर, तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और गाइस जो नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस मेरी यही कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, आपको खुद हंसूँ और आपको भी हंसाऊँ, खुश रहने का रीज़न दूँ। और देखो ये आ गया हमारा डॉगी बाबू, बाबू तो ये काट ना ले। ये देखिए गाइस के इस तरह से बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी पुराने हैं, बिल्कुल सेम वैसी ही हैं जिस टाइम जो 1920 में थी, 1920 में स्टार्ट हुआ था ये गांधी आश्रम का। और बहुत सारे अलग अलग शहरों में अलग अलग गांधी आश्रम बनाए गए हैं। ये देखिए इधर क्या जी कर, एक बार देखिए किसी का हाउस है। हाँ यहाँ तो भी खाली अभी पड़ा हुआ है। चलो तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं गांधी जी जयंती सेलिब्रेशन की। तो गाइस देखिए अब मैं अपने कोचिंग में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को महात्मा गांधी जी के बारे में। काफी ढूंढने के बाद भी आज हमें महात्मा गांधी जी का पोस्टर नहीं मिला है, बहुत सारी शॉप्स पे देखा जिगर ने। तो अभी मैं आपको बच्चों को दिखाती हूँ, बच्चों को दिखाओ इधर आ जाओ जिगर बाबू। तो देखिए गाइस मेरे बच्चे बैठे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। बड़े स्टूडेंट्स को सबको कोचिंग में पता है मोस्टली, लेकिन इन बच्चों को बेटा आज आपको पता है आज क्या है? गांधी जयंती। तो देखिए बेटा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो महात्मा गांधी थे उनका दूसरा नाम क्या था? बापू। ठीक है। और उनका हमारे महात्मा गांधी जी जो थे, हम पहले हमारे ऊपर जो थे ब्रिटिश लोग, ब्रिटिशर्स जो थे अंग्रेज लोग शासन करते थे, हम अपने बेटा चुप हो जाओ, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, ना हम अपनी मर्जी से अपनी जो फसल थी उसको अपने पास रख सकते थे, ना मर्जी से खा सकते थे, ना जॉब का राइट था, ना कोई राइट था। तो इसके बाद ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई परमिशन नहीं थी कि हम अपने काम सब कुछ खुद कर सकें। तो ये चीज हमारे महात्मा गांधी जी ने हमको दिलाई, हमारे देश को आजादी, और उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। और हमने आज जो वीडियो शूट करके लाई हूँ वो गांधी आश्रम की करके लाई हूँ। तो गांधी आश्रम के बारे में बताऊंगी, वहाँ महात्मा गांधी जी आए थे तो वो आपको वीडियो में पता चलेगा। और महात्मा गांधी जी का एक नारा था जो आप हम सबके एक साथ गाओगे, तो मैं गाऊंगी उसके साथ आप गाना, ठीक है? रघुपति राघव राजा राम, एक सेकंड जाओ, मैं गाती हूँ मेरे साथ गाना। रघुपति राघव राजा राम, रघु राजा राम, रघुपति राजा राजा राम, पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान, तो बेटा आज है गांधी जयंती और गांधी जी का बर्थडे है, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगी गांधी जी की फोटो। जिगर आपके पास कोई है नोट? तो बेटा सबको लड्डू मिल गए? यस। आज हमने किया गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड गाइस अब मैं अपना ब्लॉग कर रही हूँ एंड
और बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आऊंगी बाबा, आऊंगी, वीडियो ले रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। देखिए आज है इन दोनों बच्चों का बर्थडे, नाम बताओ दोनों बच्चे, पापा बताएंगे। अविक, अभी किधर देखो, अविक, अविक बोलो, अविक और यूट्यूब बोल फैमिली, हाँ हेलो बोलो यूट्यूब पे, यूट्यूब फैमिली को हेलो बोलो, हेलो बोलो यूट्यूब, हेलो। और ये माता रानी का जागरण हुआ, मतलब कीर्तन हुआ है आज, बर्थडे बॉय ट्विंस। और ये देखो इधर देखो यूट्यूब फैमिली को, और आज हम आए इनकी यहाँ पार्टी में, जो बिल्कुल घर के पास में रहते हैं। हेलो नहीं बोलोगे बाबू, हेलो हेलो बोलो, बस बोलो, लाइक लाइक करो, शेयर करो, मम्मी दादी की वीडियो देखो बोल रहा, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। शर्मा चलो हेलो बोलो यूट्यूब फैमिली को, आज तुम भी आओगे वीडियो में, है ना? पहली बार, हाँ पहली बार। बाबू के पेरेंट्स, बाबू प्यार कर दे, प्यार कर दे, ले ले, ले ले दोनों।